नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी का। जी हाँ, चंद्रशेखर राव जी ने जो है राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया है और उसका शक्ति प्रदर्शन आज उन्होंने किया। चंद्रशेखर राव जी ने जो है TRS से अपनी पार्टी को BRS कर लिया, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति। और इसी बैनर के तले जो है उन्होंने आज महाराष्ट्र में 600 गाड़ियों काफिला लेकर विट्ठल जी का दर्शन करने के लिए निकले। आखिर में उनका जो ये शक्ति प्रदर्शन महाराष्ट्र से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, यानी 8 से 9 महीने जो है पूरी समय है। और उनका जो ये प्रदर्शन जो है कितना मायने रखता है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष काले जी से, और जानेंगे कि चंद्रशेखर राव जी का जो है ये जो शक्ति प्रदर्शन जो है महाराष्ट्र होते हुए किस तरह पूरे देश में फैलेगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे ये चंद्रशेखर राव जी का जो शक्ति प्रदर्शन आज हुआ है महाराष्ट्र में? चंद्रशेखर राव जो अभी फिलहाल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, वो काफी एम्बिशियस आदमी है जी। पहले वो तेलुगु देशम में थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। बिल्कुल, 2001 में वो तेलुगु देशम से हटकर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसका नाम उन्होंने रखा था तेलंगाना राष्ट्र समिति। यस, 2001 से उन्होंने काफी मेहनत की और तेलंगाना की अस्मिता के लिए लड़े वो, और आखिर में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, अलग स्टेट फॉर्म हो गया। और 2014 के इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन में उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है, तेलंगाना की अच्छी डेवलपमेंट की है और एक अच्छा नाम उन्होंने कमाया है तेलंगाना में। अभी जैसे होता है कि हर स्टेट पार्टी लीडर को ऐसा लगता है कि अभी मैं यहाँ पे बहुत काम किया हूँ, मुझे अभी नेशनल लीडर बनना है, और वो कोशिश उन्होंने भी की थी। उन्होंने बाकी के राज्यों में जाकर उनके नेताओं के साथ संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको काफी रिस्पांस नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया अभी, तो उन्होंने अपनी जो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसको ही अभी नेशनल पार्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश उनकी है। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र पार्टी का नाम अभी भारत राष्ट्र समिति जी, भारत राष्ट्र समिति करके तेलंगाना राष्ट्र समिति का फॉर्मेशन चेंज किया। इलेक्शन कमिश्नर उनको मान्यता भी दी है, भले फिलहाल आज वो पार्टी स्टेट पार्टी है तेलंगाना की, लेकिन ये सब जो उनका रवैया है उसे एक मालूम हो रहा है कि उनको ये भारत राष्ट्र समिति को नेशनल पार्टी में कन्वर्ट करना है। और नेशनल पार्टी में अगर कन्वर्ट करना है तो बाकी के राज्यों में जाकर तुमको वोट्स लेने पड़ेंगे, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और उसी उद्देश्य से आज ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों से चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में घुसे हुए हैं। कई जगह उन्होंने मीटिंग्स ली है, कई जगह उन्होंने रैली की है। आज तो उन्होंने पंढरपुर या जो भी पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता है पंढरपुर विठोबा, और आज उनके दर्शन के लिए 600 गाड़ियों का काफिला लेकर वो पंढरपुर पहुंचे और उन्होंने विठोबा का दर्शन लेना है उनको, और एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं वो। उन्होंने औरंगाबाद, मराठवाड़ा, स्पेशली मराठवाड़ा और विदर्भ में वो अभी घुसे हुए हैं। उन्होंने अपना कार्यालय चालू किया है औरंगाबाद में, नागपुर में, और वो पूना, मुंबई, यहाँ सब जगह अपना कार्यालय चालू करने की कोशिश में है। यहाँ तक कि दिल्ली में उन्होंने अपना भारत राष्ट्र पार्टी, भारत राष्ट्र समिति का कार्यालय शुरू किया। तो इसका यही दिख रहा है कि नेशनल फ्रंट पर, नेशनल लेवल पर अपना नेतृत्व एस्टैब्लिश करने की कोशिश ये चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। वैसे वहां पर जाकर हर जैसे उनका एम्बिशन है तो वो चल रहा है, और उनको शुरुआत महाराष्ट्र से करनी है। अभी सवाल ये उठता है कि ये महाराष्ट्र में तो घुस रहा है जी, तो उसका नतीजा क्या होगा? जी बिल्कुल, तो ये दिख रहा है हमको कि देखो अभी तक महाराष्ट्र में 4 स्ट्रांग पार्टीज, एक तो कांग्रेस, दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरे BJP और चौथी शिवसेना, और अभी शिवसेना के 2 गुट है। कोशिश तो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने भी की थी,
कोशिश तो मायावती ने भी की थी, कोशिश तो आपने भी की है, कोशिश तो और बाकी के बाजू की पार्टियां जो है, शिवसेना भी कोशिश की है, शिवसेना ने दूसरे राज्यों में कोशिश की, लेकिन मैं अभी हम फिलहाल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ये बाजू की जो पार्टियां है, जैसे उत्तर प्रदेश के समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, या आप है, इन्होंने हर महाराष्ट्र में घुसकर अपना एक बेस तैयार करने की सब पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला है। अभी देखते हैं चंद्रशेखर राव को कितना सक्सेस मिलता है, और अभी उन्होंने शुरुआत तो मराठवाड़ा, विदर्भ और उस साइड से, जलगांव में उन्होंने उनकी, अभी मैंने न्यूज पढ़ा कि जलगांव में एक ग्राम पंचायत में उनकी सरपंच हो गई है, क्या बात, मतलब ये उनकी शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई सर। यहाँ पर जिसी तरह शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में, तो अभी संजय राउत का भी एक बयान आया, वो तो बयान लेने से तो बयानबाजी तो मैं एक्सपर्ट रुक ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की बी टीम है, यानी भाजपा जो है राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे एक नया टीम तैयार कर रही है, ताकि जो है विपक्ष का वोट जो है काटा जा सके। देखो क्या है कि नाना पटोले का भी स्टेटमेंट है भाजपा की बी टीम, होता क्या है कोई भी पार्टी जी जो कांग्रेस या बीजेपी के ऑपोजिशन के वोट्स काटने की कोशिश करती है तो उनको बी टीम बना, एमआईएम को भी बोला जाता है। हाँ, अभी मतलब एमआईएम जैसी पार्टी को भी अगर आप बीजेपी की बी पार्टी बी टीम बोलोगे तो इसमें कोई मतलब नहीं है। और देखो, और हर एक को अपने अपने ताकत आजमाने की कोशिश करना कोई गलत नहीं है। वैसे चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में अपनी कोशिश करेंगे, अपनी ताकत आजमाएंगे, यहाँ तक कि अभी आप देखो कि शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे जी ने मन से फॉर्म किए, वो अपनी ताकत आजमा रहे, 2014 के इलेक्शन में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जी। तो ये तो हर कोई अपनी पार्टी का बेस बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई अपना जो स्टेट पार्टी है वो नेशनल लेवल पर जाने की कोशिश करती है। सक्सेस कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, वोट के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक पार्टी का आना वो किसको थ्रेट है, मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ये जो आघाड़ी है उनको थ्रेट है या बीजेपी को थ्रेट है, ये तो वक्त बताएगा सर। ये साउथ इंडियन पार्टी है, यानी भारत राष्ट्र समिति जो है, तेलंगाना जो है साउथ इंडियन पार्टी मानी जाती है, क्या लगता है कि उनको, उनका जो बेस है साउथ इंडिया से उठ के नॉर्थ इंडिया या मध्य इंडिया में बन पाएगी, ऐसा लगता है? लोग उनको जानते हैं, लोग उनको वोट देंगे, या उनके समर्थक हैं हर जगह? समर्थक तो जुटाने पड़ते हैं जी, फिलहाल तो उनके महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे समर्थक बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो ऐलान किया है ना अभी जी, कि भाई अभी राज किसका होगा, तो किसानों का होगा जी, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसानों के ऊपर है, फिर भले वो किसान कर्नाटक का हो, किसान आंध्र प्रदेश का हो, किसान तेलंगाना का हो, किसान महाराष्ट्र का। अभी हम देख रहे हैं, अभी वो पंढरपुर पे क्यों गए, विठोबा के दर्शन के लिए, आषाढ़ी एकादशी है अभी कल परसों, लाखों लोग पंढरपुर जाते हैं, हमारा वो महाराष्ट्र की अस्मिता है, लोग श्रद्धा से वहां जाते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने वो झापा माप लिया कि भाई ये पंढरपुर के विठोबा तो महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी ये है चीज है, और उनको दर्शन के लिए मैं जाऊंगा तो लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाएगा। और ये जो किसान है महाराष्ट्र के, वो हम देखते हैं लाखों लोग आनंदी से अपने अपने गांव से पंढरपुर जाते हैं आषाढ़ी के लिए, तो उनके ऊपर उनसे संवाद करने के लिए, उनके ऊपर इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए वो आज पंढरपुर पहुंचे हुए हैं, और उनका बेस जो महाराष्ट्र में पहले जो निशाना होगा वो होगा किसान जी, और किसानों को अपनी तरफ खींचने की वो कोशिश करें। जिस तरह से अभी विपक्ष की जो है बैठक हुई पटना में, उसके बाद जो ये विपक्ष का ही एक पार्ट माना जाता है तेलंगाना का, जो चंद्रशेखर राव जी, तो अभी ये अपनी नई पार्टी में, क्या हर विपक्ष अब नई नई पार्टी खड़ा करते जाएगा, तो विपक्ष का एकजुट कैसे हो पाएगा? नहीं होगा। क्या है देखो, हर स्टेट पार्टीज जो है अभी वहां पे जो आई थी, एक कांग्रेस छोड़ी तो बाकी सब स्टेट पार्टियां, नेशनल पार्टी आज देखने को जाओ तो सिर्फ दो ही, भाजपा और भाजपा, भले
इलेक्शन कमिश्नर के रिकॉर्ड पर आपको मिलेंगी काफी, आप भी है अभी, आप है कम्युनिस्ट का तो गया लेकिन राष्ट्रवादी का भी गया, लेकिन नेशनल पार्टी है कुछ जी। फिर भी नेशनल पार्टी जो देखा जाता है जो भाई ये भारत देश की पार्टी है ये कांग्रेस और बीजेपी जी, फिलहाल तो ये दो ही पार्टी नेशनल पार्टी दिखती है। ये जो स्टेट पार्टीज है उनको साथ में लाना, देखो हर एक का अपना अपना एजेंडा है, तृणमूल कांग्रेस का अपना एजेंडा है, ममता बनर्जी का, आपका अपना एजेंडा है, यहाँ शिवसेना का अलग है, यहाँ शरद पवार का एजेंडा अलग है, फिर वहां जो जो आए थे नीतीश कुमार जी का अलग है, तो अपने अपने एजेंडे है, लेकिन हर एक को नेशनल लीडर बनने की कोशिश भी है, तो उस कोशिश में अकेला तो बन नहीं सकते, तो चलो इन सबको इकट्ठा करो और कोशिश करो, कोशिश करो, और ये कोशिश चल रही है उनकी ऑपोजिशन की। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अपना अपनी अस्मिता छोड़ना उनको मुमकिन नहीं होता है, और उसकी वजह से विपक्षों की एकजुट टिकती नहीं है, जमती नहीं है। सर एक भारतीय जनता पार्टी एक वरिष्ठ नेता है, आपकी नजर से जो है ये चंद्रशेखर राव जी का जो पार्टी है भारत राष्ट्रीय समिति का, किस नजर से देख रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ बीजेपी को फायदा दे सकती है ये? देखो वो मैंने कहा ना कि वोट शेयरिंग की बात है ये जी, अभी लोकसभा के इलेक्शन ड्यू है, मई 2024 में इलेक्शन आ जाएंगे जी, तो तब तक ये पार्टी अपना बेस कितना तैयार करती है वो देखा जाएगा, और वो कितना वोट शेयर खींचती है। अभी जैसे है कि भाई वो किसका वोट खींचेगी, बीजेपी का वोट खींचेगी या शिवसेना का और कांग्रेस और आघाड़ी का खींचेगी राष्ट्रवादी का, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई ये पूरा गट्ठा बीजेपी का वोट उधर गया या आघाड़ी का वोट उधर, नहीं, जो लोग उनके उनकी सोच ऐसी होगी कि भाई वो पार्टी अच्छी है कुछ काम कर सकते हैं किसानों का भला होगा वो जाएंगे, फिर वो लोग बीजेपी के हो या आघाड़ी के हो, तो वो वोट शेयर कितना खींचेगी उसका सब डिपेंड है, किसी एक पार्टी को नुकसान करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। धन्यवाद काली जी। तो ये थे सुभाष काली जी, हम चर्चा कर रहे थे चंद्रशेखर राव जी जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने जो है भारत राष्ट्रीय समिति की जो पार्टी निर्माण की है उसको जो है अब विस्तार करके जो है लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल जो है तेलंगाना में उनकी जो है 3 लोकसभा सीट है, 7 लोकसभा सीट है, और उनका जो है बहुमत सरकार है, यानी विधानसभा में जो है 109 में से 103 सीट उनका मतलब विधानसभा सीट है, और उनका मतलब वहाँ पर विरोधी भी नहीं है, एक तरफा उनका राज है, तो वो चाहते हैं कि हमारा तेलंगाना जिस तरह एक तरफा राज है उस तरह भारत राष्ट्र समिति की तरफ से जो है भारत पर भी कुछ किस्मत बनाया जाए। फिलहाल इनका जो किस्मत है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसका वोट उन्होंने काटा है, किसका वोट उन्होंने पाया है, और कितनी सीट की काबिलियत रखते हैं देश में। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप भी अपने कमेंट में आपकी जो ये तेलंगाना और जो भारत राष्ट्र समिति की पार्टी के बारे में कुछ रहेगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।